कैमरामैन अवनी शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हो कि हरियाणा के अंदर इस वक्त इलेक्शन चरम सीमा पर है। हम लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने उम्मीदवार श्री निर्मल सिंह जी को उतारा है। और आज हमारे वीपी सुरेंद्र तिवारी जी हैं, जो यहाँ पर इंचार्ज हैं इलेक्शन के, थानेसर में उस क्षेत्र के अंदर हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सुरेंद्र तिवारी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। और हमें ये बताइए कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, इस वक्त बताइए कि किस तरह का माहौल है। आपको भी नज़र आ रहा होगा, जैसे ही चौधरी निर्मल सिंह जी को 75 लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया, 75 लोकसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल नज़र आ गया। क्योंकि चौधरी निर्मल सिंह कोई नया चेहरा नहीं है कुरुक्षेत्र के लिए। कुरुक्षेत्र की और उत्तरी हरियाणा की लड़ाई पिछले कई वर्षों से वो लगातार लड़ रहे हैं। और चौधरी निर्मल सिंह जी का ध्याय कोई वोट डालना, भाईचारा खराब करना नहीं। उन्होंने अपना चुनाव सिर्फ सिंगल एजेंडे पर लड़ा है। उनका हमारा एक कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा है कि हम क्या करेंगे। और दूसरा एजेंडा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 5 साल पहले जो 2014 में मोदी जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उन वादों पे कितनी भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी। हमने सिर्फ लोगों से ये कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी वाले आपसे वोट मांगने आए तो सिर्फ उनको उनका मैनिफेस्टो याद दिलाया जाए कि इसमें उन्होंने जो वादे 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपये खातों में, किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी, महंगाई बेरोजगारी भत्ते की जो बात की थी, क्या वो उन्होंने उसको पूरा किया। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस पार्टी ने जब पीछे फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए, बड़े सफलता से चल रहा है। मनरेगा योजना लागू की, वो भी बड़ी सफलता से चल रही है। और अब आने वाले समय में राहुल गांधी जी का जो लक्ष्य है वो गरीब लोगों के लिए, मजदूर, दिहाड़ीदार, छोटे कारखानों के लिए है। उन्होंने 7,000 रुपये महीना, 72,000 रुपये सालाना, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन परिवारों को सालाना देने की अब वादा किया है। और राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि 72,000 करोड़ का 72,000 करोड़ हम रोजगार, 72,000 का हम प्रत्येक उसको देंगे बेरोजगार युवक को, वो कहाँ से पैसा आएगा सरकार बनने के लिए। ये भी अच्छी है कि ऐसा एक बात है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो भी योजनाएँ या वादे डाले हैं बहुत से बुद्धिजीवी लोगों को लेके डाले हैं। जैसा कि आपने सवाल किया, यही सवाल जब फूड सिक्योरिटी बिल आया था तब भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने यही आरोप लगाया था कि फूड सिक्योरिटी बिल इतना फ्री में कैसे दे देंगे लोगों, गरीब लोगों को। आप देखें पिछले 10 साल से योजना कितनी तेजी से चल रही है और कामयाब। पहले यहाँ पर नवीन जिंदल जी का नाम भी बहुत उछल रहा था, MP के कैंडिडेट होंगे, लेकिन अचानक उनका नाम विड्रॉ हो गया, ये पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उसके बाद निर्मल सिंह का नाम आ गया, तो आपको लगता है कि वो सारे कार्यकर्ता वो एकजुट होकर ये काम कर रहे होंगे। नवीन जिंदल जी पुराने प्रत्याशी हैं और लोगों के दिलों पर राज करते हैं। पिछले 10 साल नवीन जिंदल जी यहाँ पर रहते थे और नवीन जिंदल जी का ही फैसला है कि मैंने 10 साल राज कर लिया, मैं पूरा समय नहीं दे पाता कुरुक्षेत्र की जनता को। तो हर आदमी जब अपना उत्तराधिकारी चुनता है तो विश्वास पात्र और भरोसे वाला, जो उसके भरोसे को कायम कर सके। उन्होंने निर्मल सिंह जी में आस्था जताई, उनको लगा कि जो काम मैं पूरे नहीं कर सका वो चौधरी निर्मल सिंह जी पूरे करेंगे, इसलिए उन्होंने निर्मल सिंह जी को टिकट के लिए और उनके लिए 7 दिन प्रतिदिन लगातार प्रचार कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से दिन रात लगे। अच्छा, दूसरी बात आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में 1370 को उन्होंने स्पष्ट तरीके से नहीं बताया, स्टैंड उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार आई तो 1370 पर हम इसको हम नहीं हटाएंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है। बात हम बिल्कुल नहीं करते जो हम पूरी ना करें। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राम मंदिर पिछले 30 सालों से बना नहीं रहे, वादे नहीं करते। वो हर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा लेते हैं और कि हम सरकार आएगी तो मंदिर बनाएंगे। मंदिर तो बना नहीं सके, सरकारें उस मुद्दे पे कई बार बना चुके हैं। 370 का मुद्दा है जो वो देश की अखंडता से जुड़ा हुआ है, सब मिलजुल कर उस पर फैसला करेंगे, हम झूठे वादे नहीं करते। अच्छा, वो एक बात आपसे और जो हम पूछना चाहेंगे, आंखों में ये बताइए, आम जनता आप वोट की अपील करने जाते हो कि जनता कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दे, इसके बारे में। ऐसा है जी, 2014 में एक सुनामी सी आई मुझे, और जब कोई सीनियर पार्टी, नेशनलाइज पार्टी का लीडर कोई वादा करता है या बोलता है तो जनता, जो भारत की जनता है, उसमें विश्वास करता है। लोगों ने इन पर विश्वास करा जब इन्होंने मंच से बोलना शुरू करा कि काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख खातों में होंगे, 2 करोड़ रोजगार हर सालाना दिए जाएंगे बेरोजगारों को, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी। तो लोगों को लगा कि ये सरकार सच बोल रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से कांग्रेस की सरकार देखते हैं, जो सरकार कांग्रेस की सरकार वादे करती थी उसको निभाती थी।
थोड़ा कम ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही सरकार बनने के बाद आप कह दें कि यहाँ जुमले थे, तो उसका रिजल्ट जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को देगी। और जो टेलीविजनों पर सिर्फ मोदी मोदी चल रहा है, जमीन पर मोदी कितना उभरा है ये नज़र आ रहा है। अच्छा, ये एक बात हमें उठती है कि प्रियंका गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस में किस तरह का जोश आया है, आप इसके बारे में आप देख रहे हैं। देखो, प्रियंका गांधी एक पढ़ी लिखी लड़की और राजनीतिक परिवार से, जब कोई राजनीतिक परिवार से राजनीति करता है तो लोगों को उसका लाभ मिलता है। जब कोई अनाड़ी जैसे आरएसएस के सीएम बना दिए मनोहर लाल कृष्ण जी, तो उसका हरियाणा की जनता को कितना नुकसान हुआ आप देख जान सकते हैं। अच्छा, ये बात भी कहने में आ रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि प्रियंका गांधी की बनारस से चुनाव डर के मारे हार गए, डर के मारे इलेक्शन नहीं लड़ा बनारस में उन्होंने इलेक्शन मोदी साहब के विरुद्ध, इसके बारे में आपकी क्या बात है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम ही झूठ बोलना, सच इनको बोलना ही नहीं। आप पहले दिखा लीजिए, इनकी स्पीचें सुन लीजिए, ये जो इनका मैनिफेस्टो था 2014 का, ये उससे भाग रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ताकि लोग उनको याद ना करें। लेकिन जनता बड़ी तेज है, इस बार जनता 2014 का मैनिफेस्टो याद कराएगी। तो भाई बहनों, आपने देखा कि सुरेंद्र तिवारी जी किस जोश के साथ, किस उम्मीद के साथ जनता में लगे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इस बार कुरुक्षेत्र की जनता जो चक्र भी बनाएगी उसके अंदर सरदार निर्मल सिंह जी बेखूबी से निकल कर उभर कर बाहर आएंगे। तो आज प्रकाश टीवी चैनल से डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, मेरे कैमरा मैन अनु शर्मा का बहुत धन्यवाद, और सुरेंद्र तिवारी जी आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।